24 न्यूज पर मैं हूँ आपके साथ तनिषा भारद्वाज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए सहरसा पहुंचे। सुबह सुबह चिराग पासवान सहरसा सर्किट हाउस से निकलकर जिले के नौहट्टा प्रखंड के E2 घाट पर पहुंचे, जहां से वे नाव पर चढ़कर विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ में फंसे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से चिराग न केवल समस्या सुनते नजर आए बल्कि उनके बीच सूखा राशन किट का भी वितरण किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुनने के बाद चिराग पासवान ने अधिकारियों की क्लास ले ली और चिराग पासवान ने अधिकारियों को जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सुविधा मुहैया कराने का आदेश जारी किया। चिराग पासवान कमर पर पानी में डूब कर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुँच गए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों सरकारें इस बात को लेकर तत्पर और चिंतित है कि ये जो एक आपदा आई है, जो एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से हम लोग के पड़ोसी देश में नेपाल में जिस तरीके से संकट आया और उस संकट का प्रभाव सीधा बिहार में हम लोगों को अपने राज्य में देखने को मिला और कई जिलों में इसका असर हम लोगों को देखने को मिला। लगभग 12-13 ऐसे जिले हैं कोसी उसके अगल बगल के जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उम्मीद से कई ज्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया, जिससे जितने निचले इलाके हैं उस पर इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से NDRF की टीमें हो, SDRF की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही कि सबसे पहले रेस्क्यू इवैक्यूएशन हो ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी NDRF के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। कल देर रात तक, आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया है। यहाँ से अब जरूरत है रिलीफ की और रिलीफ के बाद जरूरत है उनका पुनर्वास करने। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कर दी गई है, उसको लगभग दुगना जरूरत पड़ने पे उससे ज्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहां से ग्रामीण बाहर नहीं आए हैं और वो क्षेत्र पीछे वाला एक आइलैंड में तब्दील हो गया है, वहां पे सूखा राशन की व्यवस्था भी पहुंचाई जा रही है। धीरे धीरे संतोष की बात यह है कि पानी का स्तर अब घटने लगा है, धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। पर जहाँ एक तरफ ये संतोष की बात है, वहीं यहाँ से कार्य और ज़्यादा बढ़ता है। जब पानी नीचे जाता है, जो मलबा, जो कीचड़, अभी हम लोग भी कीचड़ था उसमें हम लोग भी फंसे काफ़ी देर तक। अब धीरे धीरे अब ये समस्याएं आएंगी, जो जानवर हैं जिन जो इसमें जो मर गए हैं उनको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी महामारी ना फैले, उसको लेकर भी अब और ज़्यादा सजगता से स्थानीय प्रशासन इसके ऊपर कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सुबह भी DM SP सबसे हमारी बातचीत हुई कार्यों को लेकर। ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ये मानना होगा। और ये दोषारोपण का समय नहीं है कि किस सरकार में क्या काम हुआ, किस सरकार में क्या काम नहीं हुआ, पर आज से हम लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कैसे हम लोग रोक लगा सकते हैं। बिहार में बाढ़, मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी, बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं, ये हर साल आती है। जरूरत है हम लोगों को इसके परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करने, नदियों को जोड़ने की योजना हो, हाई डैम्स के निर्माण के कारण, इन तमाम चीजों को आने वाले दिनों में मैं खुद वापस जाने के बाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार बिहार और बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज़।